हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10-10 के पोर्टल की। ठीक है, बहुत सारों को नहीं पता होगा 10-10 का पोर्टल क्या होता है। दसवां महीना है अक्टूबर, 10 तारीख से ये पोर्टल स्टार्ट हो गया, 20th तक चलना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो 10 की फ्रीक्वेंसी है, जो 10 की एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी मंदिर में बैठे होते हैं, किसी मस्जिद में बैठे होते हैं, अजान के टाइम या मंत्रोच्चारण के टाइम जो उस की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, सेम वही वाइब्रेशन अब जो है 10-10 के पोर्टल की हाई है। ठीक है, 10-10 यानी कि किसी भी चीज़, एक शुरुआत, जीरो एंड, ठीक है, फिर वापस से शुरुआत, कोई भी चीज़ खत्म होकर एक नई शुरुआत होना 10-10 के पोर्टल में होगी। ठीक है, यानी कि जिसको भी 10-10 बार बार दिखाई देता है, समझ जाइए कि कुछ पुराने का अंत होना है, कुछ नई शुरुआत होनी है। ठीक है, कोई नई शुरुआत के लिए एंडिंग मस्ट होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली ना लें, कोई भी नई शुरुआत करनी होती है तो उसके अंदर एंडिंग जो है वो नेसेसरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो खास तौर पर 10:10 पर बहुत हाई होती है। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अपने लिए नेगेटिव ना बोलें, आप ग्रेटिट्यूड शो करें। जैसे हम, हमारे लिए कोई भी काम करता है तो हम कितना थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए मतलब इतने एफर्ट करे, इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा समय होता है अपनी एक तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करने का। ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, तो शुक्रिया अदा करने का ये बहुत अच्छा समय है। आप 10:10 पर बहुत आप जो है शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है आप थैंक यू करके आप जो है उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी। लेकिन नो नेगेटिव, जैसे ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। ठीक है, नेचर हमें कोई भी चीज़ डबल ट्रिपल करके देती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, और ख़ास तौर पर ये कि बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ठीक है, तो ये होता है 10-10 की वाइब्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट मंथ में 11-11 की होगी, फिर 12-12 की होती है, यानी कि जो पर्टिकुलर चल रहा होता है मंथ उसकी वाइब्रेशन जो है उस पर्टिकुलर जो नंबर है उसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि क्या नंबर इतना असर डालता है? ऑफकोर्स असर डालता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जो है एक अलग नंबर के साथ खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनका नंबर चेंज कर देते हैं, जर्सी नंबर चेंज होते ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर की जो वाइब्रेशन होती है, नेम नंबर की जो वाइब्रेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऋतिक रोशन है, उन्होंने भी अपना नंबर चेंज किया था। ठीक है, रानी मुखर्जी ने भी अपना नंबर चेंज किया, बहुत सारे ऐसे, अजय देवगन ने भी नंबर चेंज किया, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना नंबर चेंज करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उन्होंने प्राप्त करी और बहुत अच्छा लेवल उन्होंने अपना बना लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि एक कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ जाता है, स्टॉप लग जाता है, तो वो उसकी एनर्जी को वापस से हम जो है अपनी एनर्जी लेते हैं, उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, जो पर्टिकुलर नंबर हमारे लिए काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, इवन दो जो न्यू प्लेयर्स हैं वो भी अपनी जर्सी नंबर जो है चेंज करके जो है बहुत अच्छी रॉकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई, यानी कि नंबर बहुत काम करते हैं। तो इसीलिए कुछ और दिमाग न घुमाएं, 10-10 के पोर्टल में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस जो है उसके अंदर शामिल हो जाए और बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन करें, अच्छी अफर्मेशन करें, पॉजिटिवली करें, परफेक्ट इसमें प्रेजेंट टेंस में करें। ठीक है, और भगवान आप सबका भला करे, और मैं उम्मीद करती हूँ सबकी जितनी भी विशेज है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।